आ गया जो मैं साथी हूँ। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قیمتی ایمان کی قیمتی دولت دی ہے۔ اور میرے دوستو اللہ کا ایک مزید بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ آج انگریزی نیا سال کا پہلا دن ہے تو میں نے سوچا کہ آج کچھ اس نئے سال کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہے وہ ہمیں معلوم چل جائے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو یعنی نیک اعمال کرو اللہ سے ڈرو یعنی نیک اعمال کرو ایسے اعمال کرو کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله اور غور کرو دھیان دو کہ آنے والی قیامت کے لیے آنے والی آخرت کے لیے ہم نے کیا اعمال تیار کیے ہیں کیا بینک بیلنس ہم نے آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهِ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نیک اعمال کا حکم دیا گیا اور برے اعمال سے بچنے کو کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ جب ہم نیک اعمال کر رہے ہیں اس میں بھی ہم غور کرو کہ یہ نیک اعمال ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو اس وقت غور کرو کہ یہ گناہ کا کام ہمیں آخرت میں نفع دے گا یا نقصان دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ انسان کو ہر عمل کے کرتے وقت یہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ عمل مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دے گا یا نہیں دے گا۔
इस बात से मुझे आखिरत में फायदा होगा या नहीं होगा, ये मुसलमान को अपने हर अमल के वक्त सोचना चाहिए, हर काम के वक्त और हर अमल के वक्त मुसलमान को सोचना चाहिए। तो कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला हमें यह हुक्म देना चाहता है कि हम अच्छे काम करें और उन अच्छे कामों को करते वक्त हम अपने आमाल पर गौर करें कि हम ये अच्छा काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं या किसी बड़े इंसान को खुश करने के लिए। जब बुरा काम कर रहे हैं तो गौर करो, ये बुरा काम हमें आखिरत में नफा देगा या नुकसान देगा, हम उस पर ध्यान दे करके उस काम से बचने वाले बने, नेक आमाल को करने वाले बने और बुरे आमाल से बचने वाले बने। वलतंदुर नफ्सुम्मा قدمت لغد, इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया, हासिबू अन्फुसकुम قبل ان تحاسبوا, ए लोगो अपने आप का मुहासबा करो, अपनी जिंदगी का हिसाब लगाओ। गुज़िश्ता एक साल जो 2020 हमारी जिंदगी से गुजर गया है उसके बारे में अल्लाह के सामने गौर करो और अल्लाह के सामने बैठो कि ए अल्लाह मैंने इसमें कितने आमाल अच्छे किए हैं, कितने आमाल पूरे किए हैं। ये साल का गुजरना, नए साल का आना खुशी का काम नहीं है, इसे तो हमें गौर करने का काम दिया गया। वलतंदुर नफ्सुम्मा قدمت, ए मुसलमानों, ए मुर्तल के रहने वालों, तुम खेड़े में रहते हो, तुम्हें जानता कोई नहीं, लेकिन अल्लाह की निगाह इस खेड़े के ऊपर भी है, वो कयामत के रोज तुम्हारे आमाल भी पूछेगा कि 2020 गया तो इसमें कितने अच्छे आमाल किए गए, कितने बुरे आमाल किए गए। इंसान को गौर करने का हुक्म दिया गया, अपने आमाल का मुहासबा करे, अपनी जिंदगी का मुहासबा करे। तो हमें इस नए साल के मौके पर इस्लामी तालीमात जो मिलती है, चार बातें हम इस नए साल के मौके पर अपने जहन में रखें। कितनी बातें? चार बातें। पहली बात, जो साल गुजरा उसके बारे में दो बातें हैं और जो नया साल लगा उसके बारे में दो बातें, तो ऐसी दो और दो, ये चार बातें हम अपने जहन में रखें। पहले नंबर पर हम ये गौर करें, हम अपने आप का मुराकबा और हिसाब लें कि अल्लाह ये 2020 गया है, मौलाए करीम मैंने कितनी नमाजें छोड़ी, कितने लोगों को सताया है, कितने लोगों का दिल दुखाया है, अपने बीवी बच्चों को परेशान किया है, अपनी बीवी को सताया है, मैंने तेरे कितने हुक्म को तोड़ा है। एक जगह बैठे और रब के सामने ये चीजें अपने दिल में इस्तेहजार करके पेश करें कि अल्लाह ये 2020 में मैंने जितने गुनाह किए हैं, फुला को सताया है, फुला गुनाह किया है, मौलाए करीम वलतंदुर नफ्सुम्मा قدمت, कबल इसके के कयामत आ जाए, मेरी मौत वाके हो जाए, तो मेरे इन गुनाहों को माफ फरमा दे। गुज़िश्ता साल 2020 में हमने जितने गुनाह किए हैं,
हम अपनी जिंदगी का हिसाब लगाए और उन गुनाहों को याद कर करके रब के सामने रोए कि अल्लाह हमारी जिंदगी का एक साल गया है, अब हमारी जिंदगी का एक साल कम हो गया। एक इंसान को बताया जा रहा है कि तुम कल मर जाएंगे और तुम कल खत्म हो जाएंगे, तो वो आज खुशी मनाएगा, रोएगा कि नहीं? वो टेंशन में रहेगा। हमारी जिंदगी का एक साल गया है, गोया कि हम मौत के करीब हो गए हैं। तो ये न्यू हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की मुबारकबादी, ये मुबारकबादी का टाइम नहीं है, ये तो अपनी जिंदगी के हिसाब का टाइम है कि गुज़िश्ता साल मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। अगर हमने गुनाह किए हैं, हमने किसी को सताया है, उससे हम माफी मांग लें। हम अपने गुनाहों के बारे में अल्लाह के सामने रो ले, हे अल्लाह ये जो साल गया है इसमें मुझसे नमाजें छूटी है, माफ फरमा, उन नमाजों को अदा करने का इंतजाम करें। यह है गुज़िश्ता साल के बारे में एक बात। और दूसरी बात, अगर हमारा गुज़िश्ता साल 2020 अल्लाह की इबादत में गुजरा है, अल्लाह को मनाने में गुजरा है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर और तेरी मदद के बगैर हम कोई नेक काम नहीं कर सकते हैं। ये जो तूने नमाजें पढ़वाया है, जो तूने रोजे रखवाया है, जो कुछ पैसे तूने मदरसे में गरीबों में मिस्कीनों में हमसे खर्च करवाया है, जो मदरसे को तूने हमारे जरिए रोटी पहुंचवाई है, ये तेरी तौफीक है। वरना कितने बड़े मालदार और कितने बड़े शहर के लोग हैं जिनके पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन तूने उनके माल को कबूल नहीं किया। मौला करीम, ये जो नेकियां हमसे हुई है, इन नेकियों को मोहब्बत की और कबूल की निगाहों से तू देख ले। तो दो बातें, पहली बात, अगर गुनाह किए हैं तो उस पर अल्लाह से माफी मांग, और दूसरी बात, अगर इस साल हमने कुछ नेकियां की है तो अल्लाह से दुआ कर ले, ए अल्लाह इन नेकियों को तू कबूल कर ले। ये दो बातें पिछले साल के था। अब दो बातें 2021 जो चालू हो गया है उसके ताल्लुक से हम अपने दिल में क्या रखें, उसके ताल्लुक से हम ये अपने दिल में रखें कि हम ये अहद करें, हम ये वादा ले और अल्लाह से गिड़ गिराए कि अल्लाह आने वाले इस 2021 में हमें गुनाहों से बचा ले, हमें परेशानियों से बचा ले, तेरे बंदों को सताने से बचा ले, नमाज छोड़ने से बचा ले, जकात न देने से बचा ले, हमें बुरे कामों से पूरे साल बचाए रखना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गुनाहों से बचाना ये तेरा ही काम है। जब तक के तेरी मदद हमारी तरफ नहीं आएगी, हम गुनाहों से अपने आप को बचा नहीं सकते। रब के सामने रोए कि अल्लाह तू जबरदस्ती, अगर हम बदनिगाही की तरफ जा रहे हो, जिना की तरफ बढ़ रहे हो, चोरी की तरफ जा रहे हो, हसद की तरफ जा रहे हो, एक दूसरे के जलने की तरफ जा रहे हो, मौला जबरदस्ती जैसे एक मां अपने बच्चे को कुएं में गिरता देखकर कैसे तड़पती है और उसे खींच कर ले आती है, मौलाए करीम इस 2021 में भी तो हमें गुनाहों से इसी तरीके से बचा लेना। ये पहली दुआ करे अल्लाह से, और दूसरी दुआ ये करे कि अल्लाह इस 2021 के अंदर हमें तू तेरी नेक काम करने वाला बना, हमें नेक काम करने वाला बना दे, हमें तू तेरा बना ले,
हमें अल्लाह वाला बना दे। मेरे भाइयों, मौत जवान के साथ नहीं, मौत बुढ़ापे के साथ खास नहीं है। जब अल्लाह चाहता है जवान नहीं, बूढ़ा नहीं, बच्चा नहीं, कोई चीज नहीं देखी जाती है। आज मैं यहां आपके सामने बोल रहा हूं, अगर अल्लाह ने मुकद्दर में रखा तो आइंदा भूलूंगा, और अगर नहीं रखा तो हम कहेंगे कि आइंदा जनवरी में मौलाना ने बयान करके गए और अब नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे मुर्तल वाले भाइयों, खुदा की कसम मुझे मुर्तल वालों से बहुत मोहब्बत है, बहुत। आज नया साल आया, मैंने बड़ी बड़ी जगह जाना छोड़ दिया और मैंने खुद से मौलाना को फोन किया कि मैं आ रहा हूं आपके वहां। ये नए साल के ऊपर मेरे दिल में था कि बड़े बड़े शहरों में तो बहुत मौलाना लोग आ जाते हैं, लेकिन छोटे देहातों में कोई नहीं जाता। मैंने सोचा कि नए साल के मौके पर आपको ये चार बात बताओ, ये चार बात अपने दिमाग में रखो और दो रकात सलातुल हाजत सलातुल तौबा पढ़ करके अल्लाह के सामने मांगो, ए अल्लाह गुज़िश्ता साल के जो गुनाह हुए मौला माफ फरमा, गुज़िश्ता साल की जो इबादतें हमसे हुई है मौला उसको कबूल फरमा, ए अल्लाह 2021 में हम को ऐसा बना दे कि हम तेरी नाफरमानी न करें, हमको ऐसा बना दे कि हम तुझे राजी करने वाले काम करने लग जाए। दुनिया में लोग अभी हिंदुस्तान में परेशान नजर आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये हुकूमत वो कर डालेगी, कोई ये कर रहा है, कोई डर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, सब घबरा रहे हैं। जिस बंदे का ताल्लुक, जिस बंदे का ताल्लुक अल्लाह से हो जाता है, अल्लाह से बड़ी किसी की ताकत है? बोलो भाई, अल्लाह से बड़ी किसी की ताकत है? ये तो एक छोटी सी एक जो है तो इंडिया के अंदर हुकूमत कर रहे हैं, अल्लाह की हुकूमत तो हुकूमत करने वालों के दिलों पर भी है कि नहीं? तो हम कोशिश करें कि आज से हम अल्लाह को अपना बना ले। एक बात मैं आपको कहता हूं, अगर हमने अल्लाह को अपना बना लिया तो ये काफिर लोग, ये हुकूमत में बैठे हुए लोग ही हमारी हिफाजत करने वाले बन जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को अपना बनाया, बनाया कि नहीं? तो जो फिरौन पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल कर रहा था और जिस बच्चे से उसको डर था, अल्लाह ने उसी बच्चे को उसी दुश्मन के घर में पाल कर बताया, बताया कि नहीं? हजरत मूसा किसके घर में पले? फिरौन ने ही अपने घर में पाला और उसी घर के अंदर बढ़ाया। अल्लाह ने बता दिया कि जो मेरा हो जाता है मैं उसकी दुश्मनों के जरिए उसकी हिफाजत कर लेता हूं, दुश्मन भी उसकी हिफाजत करता है। तो वो अल्लाह आज भी है जो 1400 साल पहले नबी की जिसने गारे सौर में हिफाजत की थी, शेबे अबी तालिब में जिसकी अल्लाह ने हिफाजत की थी, वही अल्लाह गजवे बदर में जंगे अहद में जिसको अल्लाह ने गालिब किया था, वही अल्लाह आज भी मौजूद है। इन चीजों से और इन नक्शों से हमें डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह से ताल्लुक नमाजों में एहतमाम करें, बीवी बच्चों के साथ नमाज पढ़े, जिस तरह नमाजों में हम पढ़ते हैं बीवी बच्चों को भी नमाज पढ़ाए, हमारे घरों में कुरान की तिलावत करें, नबी की सुन्नत को जिंदा करें। जब अल्लाह हमारा बन जाएगा, खुदा की कसम कोई ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने गए थे कि क्या करने गए थे कि मैं इनको कत्ल कर दूंगा, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी अल्लाह के थे तो वही उमर ऐलान करता है, ए मोहम्मद आप मक्का में नमाज पढ़िए, आप जो है तो हरम में नमाज पढ़िए, किसी की मजाल के वो मोहम्मद को तकलीफ दे। जो दुश्मन मोहम्मद को मारने गया था वही मोहम्मद का सिपाही और वही मोहम्मद का हिफाजती दस्ता बन गया।
तो मेरे भाइयों, मुर्तल वालों, खुदा के लिए चार बातें अपने दिमाग में रखो। ये चार बात अगर हम अपने दिमाग में रखेंगे और आज अहद करें कि हम दो दो रकात नमाज पढ़ करके अपनी जिंदगियों में तोबा करेंगे और आइंदा जिंदगी के लिए आमाल करने की हम हिम्मत करेंगे, करेंगे भाई सब लोग, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।